वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे का दिन और मैं पहुंच गया हूं हटके। सुबह के बज रहे हैं 10। आज थोड़ा जल्दी घर से निकला था तभी करेक्ट 10 बजे तक यहां पहुंच गया मैं, क्योंकि आज शनिवार है। आपको पता ही है कि रश का दिन होता है और काम ओवरलोड है मेरे ऊपर। आज बहुत सी चीजें रेडी करके रखनी हुई, चने बनाने हुए और भी छोटे मोटे आइटम है वो सब तैयार कर रखने हुए। इसलिए मैंने सुबह ही आते सबसे पहले जलाया तंदूर। दोस्तों मैंने सबसे पहले आके जला दिया तंदूर, क्योंकि अधिकतर काम में जो है चने वगैरह बनाना है कि उसमें सीटी ज्यादा लगती है, काले चने होते हैं तो उसमें ज्यादा पकाना हुआ बढ़िया करके, तो तंदूर पर सही पकता है। गैस में अगर आप करता रहूंगा तो फिर गैस ही खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने तंदूर जला दिया। मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए तंदूर जल चुका है और अभी जब इसकी आंच ठीक हो जाएगी तब इस पे कुकर चढ़ाऊंगा। अभी तो खैर तैयारी करनी है, कटिंग वगैरह करनी है। और देखिए आज हवा बढ़िया चल रही है, धूप भी बढ़िया निकल रही है। मैं एक शेल्ट में खड़ा हूं तो मुझे इतना ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तो ठंडा जो है दोस्तों वो शाम के टाइम ज्यादा लगता है यहाँ पर। सुबह तो खैर ये धूप रहती है तो धूप की वजह से ठंडा नहीं लगता। ये देखिए पूरी तरीके से हट को ये खोल लिया है मैंने, ऑफिस खोल लिया है, किचन खोल लिया है, साफ सफाई जो होती है वो सब कर ली है और अब इंतजार है ग्राहकों का, कस्टमर का और दोस्त लोगों का जो आते रहते हैं हर सैटरडे संडे को, वो लोग आते रहते हैं तो उनसे तो अच्छी खासी जान पहचान हो गई, तो एक दोस्ती समझो आप उनको एक तरीके का मुझे मेरा। ये देखिए कितनी बढ़िया धूप है आज। आपको दिखाऊंगा कि चने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, मतलब पूरा प्रिपरेशन तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि काम ओवरलोड है, कटिंग वगैरह है, सब कुछ है, तो व्लॉग अकेले कैसे बनेगा दोस्तों। तो जब चना है मैं तंदूर पर चढ़ा दूंगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों अभी सुबह के 11 ही बजे हैं और 2 किलो चिकन का ऑर्डर आ गया है, तैयारी मैं कर रहा हूँ। ये देखिए प्याज छीलूंगा और बाकी चने मैंने बाहर रख दिए हैं। ये देखिए ये बन रहे हैं चने, चने रख दिए हैं और अब इसकी चिकन की तैयारी करता हूँ। ये बन रहा है पनीर और पनीर का कलर देखिए आप, क्या कलर आ रहा है इसका। ये देखिए ये काजू, मगज और दूध का कमाल है। और जो मसाले हैं हटके के स्पेशल मसाले जो हैं ये उनका कमाल है। और इधर चावल और चिकन देखिए दोस्तों लगभग बन चुका है, चिकन लगभग बन चुका है। ये देखिए ये चिकन भी लगभग बन चुका है, थोड़ा सही रह गया इसका भी। देखिए कलर क्या कलर आ रहा है, इसमें रोगन आ रहा है। देखिए मसाला पक चुका है पूरी तरीके से, इसमें रोगन आना चालू हो गया है। चने बन बन के पागल हो गए हैं, ऐसे बन रहे हैं। जितना बढ़िया जितना ज्यादा पकेगा उतना ही अच्छा बनेगा। देखिए धूप निकली हुई है दोस्तों, बढ़िया हड्डी और तीनों इंगेज। ये पनीर, चावल, चिकन और बाहर चने, बंदा एक। अब आई है मच्छी
और मच्छी की बनानी है पकौड़ी, और ये चिकन की बनानी है ग्रेवी वाली सब्जी। भट्टी मैंने चला दी है, देखिए बन गई है फिश फ्राई। ये मच्छी में देखिए एक तिनका तेल नहीं होगा दोस्तों। इसको मैंने 3 फ्राई करी हैं और ये चटनी बनाई है इसके साथ। चिकन तैयार, पनीर तैयार और चावल तैयार, तीनों चीज तैयार। और अब ये जा रहे हैं कस्टमर के पास जिनका ये है। ये चल रहा है शनिवार, धीरे धीरे दोपहर के बज गए हैं 3 और चल ही रहा है। अभी चिकन खा रहे हैं, उसके बाद ये ऑर्डर आया है इनका मैगी का। मैगी बन रही है अंदर तंदूर में। भी दोस्तों बार बार लकड़ी डाल दे रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ भरोसा नहीं है, शनिवार है अभी। तो 2 किलो चिकन एक, आधा किलो चिकन एक, आधा किलो मच्छी एक, एक पनीर और अब मैगी, तो ये सब चलता रहेगा। अभी तो पूरा दिन बचा है। इधर बन रही है मैगी, 3 मैगी का ऑर्डर था। ये देखिए ये बन रही है मैगी। और अब तो धीरे धीरे चलता ही रहेगा। अब शाम हो गए ही, 3 बज गए हैं, तो अब थोड़ा काम हल्का हो जाएगा पर चलता रहेगा। और देखिए कितना बढ़िया मौसम है, हवा चल रही है, धूप निकल रही है और ये बाइकर्स भी आए हुए हैं बाहर कहीं।